प्रॉपर्टी टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिवान। और नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर भी ले सकते हैं, जैसे कि कानूनी, आर्थिक और टैक्स मामलों की जानकारी। यहाँ आपकी सारी समस्याएं सुलझाएंगे तो ndtv.com/property पर लॉगिन करें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं ये भी आपको यहाँ पता चलेगा। जानकारी ढूंढना बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बिल्डर कैसे अपने फ्लैट पर ज्यादा रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी दिखाकर वसूल रहे हैं ज्यादा दाम। कागजात और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़े वरना मकान की खरीद में ठगे जा सकते हैं। देश के चुनिंदा शहरों के कौन से इलाके में खरीदे अपना मकान या करें निवेश, आपकी परेशानियों का हल देंगे हम। और मंदी के इस दौर का भी क्यों कोई असर नहीं पड़ रहा है फलते फूलते टाइलों को। कोई भी जब घर खरीदने जाता है तो वो अपने बजट के हिसाब से घर चुनता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिन दामों पर घर बुक किया गया है उसकी असली कीमत कहीं ज्यादा होती है। जवाब तलब करने पर करार की शर्तें दिखाई जाती हैं जिसमें लिखा होता है कि दाम बढ़ भी सकते हैं, मगर अगर सही तरह से पड़ताल करें तो पाएंगे कि कई बिल्डर खरीदारों को झांसा देकर उन्हें शर्तों और कानूनी दाव पेच में फंसा कर कई लाख रुपए ज्यादा एट लेते हैं। वसुधा शर्मा की एक रिपोर्ट। जाते हैं तो बिल्डर आपको एक बेसिक सेल प्राइस कोट करता है जिसमें यह बात जुड़ी होती है कि वो उस कीमत पर कोई भी अतिरिक्त या मिसेलेनियस चार्ज जोड़ सकता है। पर अक्सर ये मिसेलेनियस अतिरिक्त चार्ज आपके फ्लैट के दाम को 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा महंगा कर देता है। संगीता उन लाखों लोगों में से एक है जिनका सपना है कि उनका भी कभी अपना घर होगा। संगीता का सपना तो साकार हो गया, लेकिन उसके बाद जो धोखेबाजी हुई उसके लिए वो तैयार नहीं थी। मैंने जब अपना फ्लैट परचेज किया था उस टाइम मैंने इतनी गहराई से इस बात को नहीं सोचा था कि एक ही जगह में रहते हुए अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग बिल्डर्स के द्वारा अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी रेट्स लिए जा रहे हैं। इसके बारे में लोगों को जानकारी कौन देगा, क्योंकि वो तो ये मान के चलते हैं कि जो उनसे पैसा लिया जा रहा है वो सरकार को देना है और वो बिल्कुल सही है। फौज के रिटायर्ड अफसर कर्नल टंडन को भी अपने फ्लैट की रजिस्ट्री में एक गड़बड़ नजर आई। बिल्डर ने क्या किया, 1812 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट जो कि उसने डिक्लेरेशन भरी है गवर्नमेंट के डीटीसी को और रजिस्ट्रार को, वो रेजिडेंस को उसने 2032 स्क्वायर फीट दिखाकर दे दिया और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। इससे क्या हुआ कि रेजिडेंस जो भी फ्लैट बायर है उसको 220 स्क्वायर फीट के पैसे ज्यादा देने पड़े, जो ना कि गवर्नमेंट के पास गए लेकिन वो सीधे बिल्डर के पास गए, उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ी। जैसा कि आमतौर से होता है इन दोनों ने भी उन आंकड़ों पर भरोसा किया जो उनके बिल्डर ने उन्हें बताए थे। उन्हें क्या पता था कि बिल्डर बड़े एरिया के हिसाब से पैसे और स्टैंप ड्यूटी ऐड कर उसकी जगह उन्हें छोटा फ्लैट देकर चलता बनेगा। आशीष कौल दूसरे खरीदारों के साथ मिलकर आरटीआई अर्जियों के जरिए बिल्डरों से जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लैट के दाम तय करने में ये गड़बड़ियां पूरे हरियाणा में फैली हुई है। कलेक्टर रेट आज यहाँ पे 4,000 रुपए स्क्वायर फीट है, कोई बिल्डर 3,000 रुपए करा रहा है, कोई बिल्डर 2,300 रुपए पे करवा रहा है। अगर कलेक्टर रेट 4,000 है तो अलग अलग रेट कैसे चार्ज हो रहे हैं, उसकी फ्यूचर लायबिलिटी किसकी है? आज बिल्डर करा के चला जाएगा, कल वो मुझसे रिकवरी करेगा, होम बायर से रिकवरी करेगा, उससे पेनल्टी भी चार्ज करेगा, उसका फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्लैट के मूल्यांकन के दिशा निर्देश ना होने की वजह से हर बिल्डर अपने हिसाब से दाम तय कर लेता है। कुछ बाहरी और अंदरूनी विकास शुल्क और इनहेंस डेवलपमेंट चार्जेस को भी मूल बिक्री दाम में जोड़कर कीमत तय करते हैं, तो दूसरे बिल्डर इलाके का बढ़ा हुआ शुल्क, सामान की बड़ी लागत, पसंदीदा जगह के दाम, कार पार्किंग, पावर बैकअप जैसे खर्चे जोड़कर आखिरी कीमत तय करते हैं।
आरटीआई के जवाबों में साफ लिखा है कि सिर्फ फ्लैट के अलॉटमेंट के दाम पर रजिस्ट्री होगी और दूसरे खर्चे हरगिज नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन ये चंद मामले महज एक झलक है। रोजाना खरीदार लुभावने वादों का झांसा खाकर शिकार होते रहते हैं। जब तक रियल एस्टेट का नियामक नहीं है तब तक फ्लैट खरीदने वालों को ही चौकस रहना होगा। खरीदने से पहले सवाल पूछने होंगे कि क्या जिस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं वही चीज मिल भी रही है या नहीं। मैं सुधा शर्मा, एनडीटीवी। चलिए और चर्चा करते हैं ताकि जो लोग ये शो देख रहे हैं वो इस तरह के झांसों में ना फंसे और अपने एंड पे पूरी तरह ड्यू डिलीजेंस करके ही किसी एग्रीमेंट पर साइन करें। आशीष कॉल हमारे साथ है, प्रॉपर्टी बायर जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और जिन्होंने आरटीआई के जरिए काफी खोजबीन की है। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्टनर है डीएसके लीगल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी आप बताइए, समस्या क्या थी, आपने इसका समाधान किस प्रकार निकाला, आरटीआई के जरिए क्या पता चला और अब आप आगे क्या करेंगे उन डेवलपर्स का जिनकी तरफ से ठगी की गई है? देखिए, अलग अलग तरीके से ठगी करी जा रही है, एक ही कॉस्ट को अलग अलग तरीके से चार्ज किया जा रहा है। रजिस्ट्री किस दाम पे हो रही है वो टोटली अलग है, कॉस्ट तो मुझसे ले ली जा रही है, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी मुझसे परचेज करवा दी जा रही है, बट मेरी जो फाइनल रजिस्ट्री होती है उसका एरिया भी अलग होता है और उसका दाम भी अलग होता है जिसपे मेरा कैलकुलेशन पहले किया गया था। इसके लिए हमने आरटीआई डाली, आरटीआई से हमें यह मालूम पड़ा कि जो रजिस्ट्रार है वो कहता है कि इस एरिया के अंदर सिर्फ 3-5% से रजिस्ट्री हो सकती है, स्टैंप ड्यूटी रेट इसी पे होंगे, जबकि अलग अलग बिल्डर वहां पे 5-7% भी चार्ज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। दूसरा हमने पूछा कि बेसिक सेलिंग प्राइस के अलावा जो ये कॉस्ट ऐड करी जाती है वो क्या क्या कॉस्ट करी जा सकती है, हमें जवाब मिला कि सिर्फ बेसिक सेलिंग प्राइस के ऊपर ही रजिस्ट्री होनी चाहिए और कोई कॉस्ट उस पर ऐड ही नहीं हो सकती। जैसे बिल्डर ईडीसी चार्ज कर रहा है, ईडीसी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो गवर्नमेंट के ही फंड में जा रहा है, मगर वो मेरे फ्लैट के साथ भी जोड़ दिया जा रहा है, वो रजिस्ट्रार साफ कह रहा है आरटीआई के अंदर कि ये नहीं हो सकता। तो नीरज, जब ब्रोशर देखते हैं लोग तो उसमें एक स्क्वायर फुटेज दिखा दी जाती है, उसके बाद दूसरी स्क्वायर फुटेज पे उनसे स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सारी जब प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह क्या होती है, क्या हम लोग जब खरीदने जाते हैं क्या हम कोई कोताही बदल जाते हैं? देखिए, परेशानी यह है कि जब कोई प्रॉपर्टी स्पेशली एनसीआर रीजन में बेची जा रही होती है तो काफ़ी इनिशियल स्टेज में ही उसे लॉन्च कर दिया जाता है डेवलपरों के द्वारा, उस वक्त तक नक्शा पास नहीं हुआ रहता है, बहुत सारी खामियां होती है, उस वक्त काफ़ी चीज़ कॉम्प्रेटाइज नहीं हुई रहती है और वो एक अमूमन एक क्षेत्रफल डिसाइड कर दिया जाता है कि क्षेत्रफल पर वो एक फ्लैट बनाएंगे और उसी के हिसाब से वो अलॉटमेंट लेटर इशू कर देते हैं। अगर अलॉटमेंट लेटर और अमूमन अलॉटमेंट लेटर और अग्रीमेंट के बीच में 5-6 महीने का फासला होता है तब तक उन्हें क्लैरिटी आ जाती है कि जमीन के कितने स्क्वायर फुटेज की फ्लैट वो बनाने वाले हैं और कितने फ्लैट उन्हें बेचना है। अगर उस स्टेज तक भी डिस्क्रिपेंसी है और कोई माइनर कोई सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो आई थिंक आइडियली डेवलपर को ये आगाह कर देना चाहिए खरीदारों को कि ये डिस्क्रिपेंसी है, ये डिफरेंसेस आ रही हैं और आपका फ्लैट जो हमने 500 स्क्वायर फीट का कहा था वो 525 का हो रहा है, 530 का हो रहा है, वट एवर। ये प्रैक्टिस जनरली हो क्या रहा है, बिल्डर्स एट द कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पर अग्रीमेंट के स्टेज पर ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिकेशन फाइनल वो कहते हैं, फाइनल कंप्यूटेशन जब हमारी हो रही है उस वक्त वो कहते हैं कि हमने मेजर किया है और एग्जैक्ट मेजरमेंट में ये डिफरेंस आ रही है। अमूमन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे बिल्डर्स का फ्लैट बाय अग्रीमेंट, उसमें एक वेरिएशन क्लॉज होता है, एरिया वेरिएशन क्लॉज, कुछ बिल्डर्स में वो 10-10% तक का दिखाता है, 20-20% तक का दिखाता है, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट बेच रहे हैं उसे आप 1100 का नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके बजट के बहुत ही बाहर चला जाएगा। लेकिन अधिकतर अच्छे बिल्डरों के अग्रीमेंट्स में आपको ये क्लॉज में 2% ज़्यादा वेरिएशन का प्रोविजन नहीं रहता है, विच इज़ ए स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस और वो गुड प्रैक्टिस कहा जाएगा। सो एक 2% का वेरिएशन और उसके हिसाब से कुछ अमूमन एरिया में जो कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है वो वैध माना जा सकता है, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट वेरिएशन जो आ रही है उसे वैध नहीं माना जाएगा। ये तो रही बात वेरिएशन की, लेकिन जो सवाल आशीष जी ने उठाया कि समस्या तब उठी जब उनसे चार्जेस इंक्लूड करके पूरे अमाउंट पे स्टैंप ड्यूटी मांगी गई, तो नीरज कानून क्या कहता है, क्या सिर्फ जो
जो एक्चुअल साइज है सिर्फ उसी पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी या ईडीसी पीएससी ये चार्ज वो चार्ज लगा के उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। और जो 3-4% की बात करें आशीष जी की, इतने पे ही स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए, और जो डेवलपर अपने तरफ से मन मर्जी स्टैंप ड्यूटी लगा रहा है उस पे कानून क्या कहता है, कानून की तरफ से क्या प्रावधान? ये कानून में प्रावधान काफी साफ है और ये क्लियर है। एक तो रेट की बात हुई, रेट इज स्पेसिफाइड। मुझे काफी ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि इतने पढ़े लिखे लोग इतनी छोटी सी बात पे धोखा खा रहे हैं, क्योंकि बेसिक डिलीजेंस का इशू है। गवर्नमेंट रेट्स स्पेसिफाइड है, गवर्नमेंट के साइट पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर महिला परचेज करे तो क्या स्टैंप रेट है, अगर पुरुष कर रहा है तो क्या रेट है, अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो क्या रेट है, देयर आर सर्टेन वेरिएशंस, लेकिन हर स्टेट का स्पेसिफाइड है। हर स्टेट को मैं क्या आपको स्टैंप ड्यूटी देना है, रेट एज फॉर रेट कंसर्न देयर इज वेरी क्लियर। अब दूसरा सवाल आता है किस कॉस्ट पर। देखिए कानूनन प्रावधान यह है कि आप कंसिडरेशन जो होता है, जो जितना जिस मात्रा से आप खरीद फरोख्त हो रही है वो कंसिडरेशन आप डिस्क्लोज करते हैं रजिस्ट्रार को, और उसी पर ही आपको जो स्पेसिफाइड रेट है उस पर ड्यूटी देनी है। इस समस्या और इसकी जैसी और समस्याएं जो हमारे पास आती हैं उसमें एक हमने आम बात देखी है कि इन समस्याओं जब कोई कस्टमर फेस करता है वो ड्यू डिलीजेंस नहीं करते, वो जाते हैं ब्रोशर देखते हैं साइन करके आ जाते हैं और बाद में फिर उनके लिए सारी पेचीदगियां शुरू होती है। हमने पहले भी इस कार्यक्रम में चर्चा की है कि ड्यू डिलीजेंस की महत्वता क्या है। आपके हिसाब से ड्यू डिलीजेंस कराना कितना जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में जब निवेशक उसमें निवेश करे? बहुत ही जरूरी है, न्यायत ही जरूरी है। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बिल्डर के साथ खरीद रहे हो, डायरेक्ट किसी बायर के किसी दूसरे के फ्लैट आप खरीद रहे हो, तो दो एलिमेंट होता है ड्यू डिलीजेंस का। एक तो टाइटल का, कि जिससे आप खरीदने वाले हैं उसका टाइटल ठीक है कि नहीं प्रॉपर्टी में, और दूसरा आपने जो सौदा किया स्पेशली विद बिल्डर्स, आपने जो सौदा किया है उस सौदा का में उतार चढ़ाव का क्या प्रोविजन है। अगर आपको ये बताया गया ये बेसिक सेलिंग प्राइस है 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और उसके बाद एक एस्ट्रिक्स मार रखा है, उन्होंने कह रखा है कि सब्जेक्ट टू सम एप्लीकेबल कंडीशंस, सो आपको पूछना चाहिए थ्रेडबेयर स्पेशली एट द टाइम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ कि क्या क्या हेड्स है जिसके अंदर उन्हें अदर चार्जेस भी पे करने हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सेलिंग प्राइस। अगर साइजेबल नंबर ऑफ लोग वहां पर एक साथ ये डिमांड करते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्डर्स दे विल एक्चुअली डिस्क्लोज की और क्या क्या हेड्स हैं। इनफैक्ट अगर आप जितने फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं अराउंड 2007-2008 जब रिसेशन शुरू हुई थी, तो उस वक्त आप देखेंगे दो तरीके से बिल्डरों ने फ्लैट बेच रखा है। एक में उन्होंने कहा ये बेसिक सेलिंग प्राइस है और अदर चार्जेस को उन्होंने 500 रुपये पर स्क्वायर फीट या 400 रुपये पर स्क्वायर फीट स्पेसिफाई कर रखा कि इसके ऊपर मैं नहीं लूंगा, और ये अदर चार्जेस मैं आपको ईडीसी आईडीसी टू कार पार्किंग स्पेस इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस इंस्टॉलेशन और मीटर चार्जेस आरओ चार्जेस एक्सेट्रा वट एवर वो सब उन्होंने लिस्ट आउट कर रखा। तो दैट वॉज बेसिकली मार्केट डिक्टेटेड गुड प्रैक्टिस इम्पोज्ड ऑन द डेवलपर्स। आज अगर मंदी नहीं है और दे आर एबल टू सेल इट, ऑब्वियसली मार्केट में माल प्रैक्टिस चली आती है। तो इसलिए न्याय जरूरी है कि वी हैव द रेगुलेटर इन प्लेस जो कि इन सब चीजों पे काफी स्पेसिफाई कर दे, और ये मैंडेटरी कर दिया जाए डेवलपरों पर कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अलॉटमेंट इटसेल्फ द फर्स्ट लेटर दैट दे इशू ऑन द बुकिंग उसी में वो स्पेसिफाई कर दे कि ये बेसिक सेलिंग प्राइस है, इसके अलावा इन इन हेड्स में आपको इतने पैसे देने हैं, और जिन चीजों को नहीं स्पेसिफाई किया सकता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस चीज को बोल देंगे एज पर द गवर्नमेंट डिक्टेटेड रेट, वो जो आपसे लेंगे उतना ही वो चालान जो जमा करते हैं सरकार में उतना पर वो आपको उसका एविडेंस दे देंगे। तो नीरज ने रेगुलेटर की बात उठाई दी है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आशीष मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, एक खरीदार के तौर पर आपको जब इस तरह की दिक्कतें महसूस हुई, आपको एक रेगुलेटर की कि कोई यहाँ पर हो जो कि इन पे अंकुश लगा सके, उसकी कितनी जरूरत महसूस हुई है? देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। ब्रोशर देख के आदमी वो बुकिंग कराता है, उस ब्रोशर में लिखा होता है कि 70% ग्रीन एरिया, उसमें लिखा होता है मॉडर्न क्लब, उसमें लिखा होता है विद 5-star फैसिलिटीज या सेमी लग्जरी स्पेसिफिकेशन। जब ये चीजें उसमें लिखी हुई है और उसके साथ लिखा हुआ है कि बेसिक कॉस्ट ये है, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कि इसके ऊपर एक कॉस्ट लगेगी। मुझे तो पता है कि ये बोल रहा है 70% ग्रीन एरिया, तो वो 70% ग्रीन एरिया मेरे कॉम्प्लेक्स का है जिसकी कॉस्ट मैं 3200 रुपये या 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट में दे रहा हूँ। उसके
तीन महीने बाद, छह महीने बाद, जब तक मैं 20-30% पैसा दे चुका होता हूँ, तो ये एग्रीमेंट आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अब आपको ये कॉस्ट भी देनी है, ये कॉस्ट भी देनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्किंग तो आपका कॉमन एरिया है, आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, तो पार्किंग हटानी चाहिए। वैसे ही TLC ग्रीन फेसिंग की, वो ग्रीन फेसिंग भी तो मेरा कॉमन एरिया है, आप उसको मेरे को दोबारा कैसे चार्ज कर सकते हैं। हर क्लब फेसिंग, वो क्लब जिसकी सिर्फ मुझे दीवार नजर आ रही है 18वें फ्लोर से या 17वें फ्लोर से, आप उसको मुझे कैसे कह सकते हैं कि इसकी मुझे TLC देनी पड़ेगी, मगर तब तक मैं 40% पैसा दे चुका होता हूँ, मैं अब उसके पास ट्रैप हो चुका हूँ। अब अगर मैं उससे कहता हूँ कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं, आपको बड़ी हैरानी होगी अगर मैं बिल्डर से कहूँ कि इस एग्रीमेंट में मुझे एक कॉमा भी हटाना है, वो मुझे एक कॉमा भी हटाने देगा। मैं उसके पास से कहीं नहीं जा सकता, या तो 15% कटवाऊं, वो ब्रोकरेज जो उसने किसी ब्रोकर को दिया है वो कटवाऊं, तब जाके मेरे को पैसे वापस मिलेंगे। इसलिए रेगुलेटर से, रेगुलेटर प्राइसिंग के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, जो ये रेगुलेटरी बिल लेके आ रहे हैं उसमें प्राइसिंग को कुछ लेके नहीं बात करी गई है। सिर्फ ये तो क्लियर है, जब आपने मेरे को ब्रोशर दिया उसमें बोला कि इतने ही कॉस्ट है और उसमें ये सारे फीचर्स हैं, तो उतना ही लगना चाहिए। नीरज, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार जब आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया तो, और उसके बाद जैसे ये कह रहे हैं इन्होंने 25% पैसा दे दिया और उसके बाद एग्रीमेंट आया, तो जब आपने देखा एग्रीमेंट, आपको अगर वो शर्तें मंजूर नहीं है और आप 25% पैसा दे चुके हैं, तो आप क्या राय देंगे हमारे व्यूअर्स को इस समय कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में है तो वो क्या करें? अगर वही, अगर अलॉटमेंट लेटर और टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट दोनों में काफी डिफरेंसेस है, स्पेशली कमर्शियल, जैसे PSC चार्जेस ऐड कर दिया जो कि पहले नहीं स्पेसिफाई कर रखा था उन्होंने, ऐसे मटेरियल ब्रीचेस हैं, तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप कंज्यूमर कोर्ट तुरंत जाएं और या तो आप ये कहें कि दो रिलीफ आप सीख कर सकते हैं वहां से, या तो आप कहें कि आपको पुराने जिस रेट तय हुई थी बेसिक रेट पर ही उसे फ्लैट मुहैया किया जाए आपको, ऑल्टरनेटिवली आपके पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाए विद सर्टेन इंटरेस्ट दैट यू कैन एस्पायर, बट इमीडिएटली गो टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड आस्क फॉर रिफंड। जो पहले मैंने सवाल उठाया था वो ये था कि सिर्फ ब्रोशर देख के लोग साइन कर देते हैं और पैसा दे देते हैं, चाहे वो 10% दें चाहे वो 15% दें, अगर वो एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले रहे हैं, तो यदि मामला कोर्ट में जाता है तो क्या ब्रोशर अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस होता है, क्या उसकी महत्वता है ताकि ग्राहक दिखा सके कि हाँ जी इस पे मुझे बेचा गया था, लेकिन बाद में जो अग्रीमेंट आया 6 महीने बाद उसमें तो ये प्रावधान थे, क्या जो लॉ है वो इस ब्रोशर को किस प्रकार ट्रीट करता है एज एडमिसिबल एविडेंस? सो थोड़ा कानूनी बात में इसलिए करूंगा, ब्रोशर जो है वो ऑफर है, अग्रीमेंट जो बनती है ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस जी बाय द अदर पार्टी, वो जब दोनों एक साथ हो जाए तो उसे अग्रीमेंट कहते हैं कानून। ये ब्रोशर जो है ये ऑफर डॉक्यूमेंट है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द डेवलपर, वो सारे विश्व को एक ऑफर दे रहा है, ये मैं बना रहा हूँ इसे आप खरीद सकते हैं। अगर उसके उपरांत आपने चेक दे दिया या पैसे पे कर दिए, आपको रिसिप्ट इशू कर दी गई, तो ये अग्रीमेंट बन गई, तो वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है कि ये आपको दिखा करके अग्रीमेंट की बात की गई थी। अगर उससे मटेरियल डिपार्चर हो चुका है, अग्रीमेंट कुछ और कह रहा है, जैसे 70% ग्रीन एरिया दैट अभी आशीष जी ने कहा और उसके जगह पता चला कि वो 50% ग्रीन एरिया दे रहे हैं या एनीथिंग, तो वो मटेरियल डिपार्चर हो गई, तो वो आप फिर आप कह सकते हैं कि अग्रीमेंट का ब्रीच हो गया और आप अपने पैसे रिफंड मांग सकते हैं या फिर डैमेजेस सीख कर सकते हैं जो भी। और इस दौरान जब मैं कोर्ट में हूँ तो, और मैंने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लिया हुआ है, तो क्या मैं अपनी पेमेंट्स करती रहूं या इस बेसिस पे कि मेरा मामला कोर्ट में है मैं अपनी पेमेंट्स रोक सकती हूं? क्योंकि अगर मैं रोक देती हूं और बात का कुछ बात होती है तो एक 18% की पेनल्टी भी होती है जिसका खौफ हमेशा बायर को रहता है, तो उसमें आप क्या राय देंगे नीरज? अगर आप कोर्ट में चले गए हैं तो कोर्ट के सामने भी आप ये बात पेश कर सकते हैं कि एज पर द अग्रीमेंट मुझे इतना पैसा देना है और ये पेनल्टी क्लॉज है, कोर्ट से उस संदर्भ में भी रिलीफ आप मांग सकते हैं, कोर्ट ही आपको तय कर देगी वेदर यू शुड बी पेइंग और नॉट। अगर पे नहीं कर रहे हैं, अगर आप बाद में फैसला आपके हाथ में होता है, ये कहा जाता है कि आप पुराने रेट पर ही देंगे, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप उसे डिलेड पेमेंट दे सकते हैं? जी आशीष जी, अब मामले को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो समस्या आपके सामने है, जो आप जैसे और ग्राहकों के सामने जो समस्या आई जिस पे आपको एक प्रकार से समझौता करना पड़ा है, क्या आप इस मामले को आगे लेके जाएंगे और किस प्रकार का लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है? देखिए, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए ये चाहूंगा कि वो बताएं कि अगर मैं कोर्ट में ये बोलूं कि ये इंस्टॉलमेंट जो मेरे को देनी है जो मेरे हिस्से की थी, मैं अगर किसी एस्क्रो अकाउंट में कोर्ट को कहूं कि मेरे ले लीजिए, तो क्या कोर्ट वो मानेगा? क्या कहेंगे आप? जी हाँ, तो कोर्ट एस्क्रो अकाउंट तो
मतलब थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट ये कह सकता है ये पैसा कोर्ट में ही आप डिपॉजिट कर दें और कोर्ट उसे इन शर्तों पर कुछ शर्तों पर रिलीज कर देगा डेवलपर को, क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं डेवलपर को फॉर डेवलपमेंट। अगर वो नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं जा रहा डेवलपर को, तो ये पर्पस नहीं हुआ कि पैसा आप दें और किस थर्ड पार्टी पर पड़ा रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे सबसे बात एक बहुत साफ तरीके से समझ में आती है कि रेगुलेटरी बिल अपने आप में सही है, सब चीजों की बात अपनी जगह सही है, लेकिन शायद डॉक्यूमेंटेशन को भी और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। शायद हो सकता है इस प्रकार के मामले इस प्रकार सामने ना आए और आशीष जैसे ग्राहकों को और ज्यादा समस्याएं और उनसे ना जूझना पड़े। फिलहाल आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझने हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट, कहीं जाइएगा।